रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। हनुमंत लला महाराज की जय। चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरि ओम। अनंत का सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड अंता अखिल रस अमृत सिंधु रस केंद्र शिरोमणि चराचरनाय करुणा निधान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान आनंद सिंधु सुखरासे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की महती अनुकंपा से आप मन के पावन धरा ग्राम उड़ेना में त्रिदिवसीय संगीत में मानस गान प्रतियोगिता की आज अंतिम दिवस के पावन बेला में मानस प्रांगण में उपस्थित वात्सल्यमय करुणामय ममतामय माताओं एवं बहनों वयोवृद्ध वरिष्ठ सियान नौजवान भाई बंधु वसुंधरा के गोद में खिलैया नान्हे नान्हे बाल गोपाल मानस रथ के सारथी मानस रथ के संवाहक मानस रथ के उद्घोषक के रूप में मोर पिता तुल्य आदरणीय जी मानस मंच में निर्णायक के रूप में बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की भांति यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है लेकिन माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी और माता पार्वती है। मैं छत्तीसगढ़ में कतको आकर मंच घूमे हूँ लेकिन ये उड़ीना गांव पहली गांव है जहाँ मैं उद्देश्य लेके चला था कि नारी जागरण स्वयं की जागृति नारी जागरण
मैं तो नहीं जाग पाऊं, लेकिन लगते उड़ेना के मोर माता मन जाग गए। उड़ेना गांव में पहली बार देखा तो कि निर्णायक के रूप में एक माता मन के सम्मान, मन बहुत गदगद लागा थी। कम से कम इस प्रकार के सम्मान महिला मन ला, हमार माता मन ला जाग चुके, जगाए के जरूरत नहीं, ऐसे मोर बहिनी मोर माता मन ला। आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम विकास समिति के समस्त पदाधिकारीगण, ग्राम पंचायत उड़ेना के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित समस्त अध्यात्म पिपासु एवं राम रसिक, आप सबों के चरण कमल में माँ कात्यायनी महिला मानस परिवार श्याम नगर राजिम जिला गरियाबंद की ओर से कोटि शह प्रणाम निवेदित करते हुए आवन भगवत नाम संकीर्तन के माध्यम से आत्मिक योग बल के द्वारा स्थित प्रज्ञा होने का प्रयास करें। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य है कर्म योग की चरम सीमा, स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य मनुष्य प्राणी दुख भोगते हुए भी कोई प्रकार से मन में उद्वेग पैदा न होना, चाहे जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, हर स्थिति में समत्व बने रहना, यही तो स्थित प्रज्ञा है। स्थित प्रज्ञा से तात्पर्य परात्पर अंश और अंशी, आत्मा और परमात्मा, ब्रह्म और जीव के परात्मा मिलन है, स्थित प्रज्ञा है। और परमात्मा के मिलन के आनंद तो अनिवार्य है, वही व्यक्ति अनुभव कर सकते जो अपन आपला आत्मा मानते कि मैं आत्मा हूँ। हम अपन आपला शरीर मानता, लेकिन जिन आत्मिक दृष्टि से केवल केवल मैं आत्मा हूँ, इस दृष्टिकोण से चराचर जीव ला, जिन इस दृष्टिकोण से अगर दृष्टि गोचर कर ही देखी तो निश्चित रूप से समाज में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। आवन रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड के पावन प्रसंग और गहन करबो, हृदयंगम करबो, ओकर से पहली गुरु वंदना के साथ, जो कि जीव के जीवन में गुरु के विशेष महत्व होते। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कोई कभी सुंदर बात कहते गुरु के बारे में, गुरुदेव तेरी रहमत, गुरुदेव तेरी रहमत खुदा से कम नहीं है, बरसी है तेरी खुदाई फिर कोई गम नहीं है, ढूंढू कहा मैं किसको कोई तेरे सम नहीं है, तू ही आसरा है मेरा, तू ही सत्यम है शिवम है, तू ही सत्यम है शिवम है।
गुरुपाद पिता गुरु बंधु सखा तेरी चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम तेरी चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम प्रियता मैं तुम्हें प्राणनाथ तुम्हें प्रियता उपस्थित मुदमंगल संत समाज उपस्थित समस्त मातृत्व शक्ति उपस्थित बाजू में मोर बैठे हुए निर्णायक के रूप में मोर माता मन रामचरित मानस के सष्टम सोपान लंका कांड के पावन प्रसंग में अवगहन करो या ओकर पर मैं चर्चा करो ओकर से पहले मैं ए माता मन के बारे में बोलना चाहता हूँ दो शब्द चूंकि यहाँ पर भी जो प्रसंग मिले है रावण के प्रसंग है
रावणी रावणा जो सबको रुलाए वही तो रावण है। माता मंदोदरी जिन पंचकन्या में गिनती आते, द्रौपदी कुंती अहल्या तारा और मंदोदरी कहे जाते। पांचों कन्या के सुबह सुबह अगर नाम लिए जाते तो वो दिल शुभ माने जाते। ऐसे माता मंदोदरी है तेन तेन रावण के पट महिषी है, रावण के अर्धांगनी है। और एक पति जब गलत रास्ता में जाते तो पत्नी के कर्तव्य बनते कि पति ला सही रास्ता दिखाए। माता मन के संख्या बहुत अच्छा है। मैं प्रसंग में जाऊँ और पहली केवल इतना कहना चाहूँ दुहा मन के सम्मान में, चूंकि मोर दिल करत है कि पीला बत्ती बढ़ी एक आधा एक घंटा बाद समय कम मत पड़ जाए। तुहा मन के सम्मान में दू चार शब्द पहले ले बोल देते हो तेकर कारण से माता हो। भारत की नारी जे परमात्मा ला जन्म थे। भारत की नारी कौन है? भारत की नारी छत्तीसगढ़ की बेटी कौन है जिन भगवान राम ला जन्म दे है? कौन है वो माता हो? जोर से कहूँ ना तो किन भैरी हो मैं हाँ। माता कौशल्या है ना, कहाँ की बेटी है? कहाँ की बेटी है? कैसा से होते उड़ेना में रामचरित मानस गान के आयोजन मोर हमर मन के प्रतिष्ठा के सवाल है। हमन एक कैटेगरी का आदमी नहीं है कि नहीं? तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, तो बताओ माता कौशल्या है कहाँ की बेटी है? भारत देश की बेटी है। भारत देश की कौन से राज्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक ठन गांव चंदखुरी है माता हो, यहाँ की बेटी है। ऐसन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जैन भगवान है तेन मन मुस्काई भान कुल भानु सूर्य कुल के जो सूर्य भगवान राम ला जन्म देने वाली माता कौशल्या अम्बा। ऐसे माता कौशल्या अम्बा की भांति तो भारत की नारी जे परमात्मा ला जन्म थे, जेकर चरण छुए बर ब्रह्माणी और रुद्राणी तरस थे, जे नियम स्वरूपा व्रत स्वरूपा संकल्प स्वरूपा होते, जिन परिवार के लिए जीते खुद के लिए नहीं जिए, वो नारी हो तुमन। नारी जो पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए सील, विश्व के लिए दया एवं करुणा संजोने वाली महान कृति नारी। नारी जिन एक माँ के रूप में अपन शरीर के खून ला दूध में परिवर्तित करके और में भावनात्मक शहद मिला करके एक शिशु ला पिला थे, जेकर से शिशु के शरीर के पोषण होते। एक नारी जे पत्नी के रूप में पति ला पुरुषार्थ शक्ति प्रदान करते, और एक नारी जिन बहन के रूप में भाई और बहन के रिश्ता ला पवित्रता से सिंचते। सृष्टि की श्रेष्ठतम श्रृंगार है नारी, प्रकृति की अनुपम उपहार है नारी। दासी समझ के जो कोई इन्हें फटकारेगा उसके लिए क्या हो आप? क्या हो आप? उसके लिए झांसी की तलवार है नारी, झांसी की तलवार है नारी। ये मोर माता मन है। आज उड़ीना के पावन भूया में जिन माता मन है निर्णायक के रूप में बैठे, एकदम दिल बाग बाग, दिल एकदम गदगद होते, ये मतलब बैठे देखे हो तो अवन रामचरित मानस के सष्टम सोपान लंका कांड के पावन प्रसंग अवगहन करते। लंका कांड ला उल्टा करबो तो काय होही? काल के डंका। लंका कांड, कांड यानी काल के डंका, उल्टा करके पढ़ो। काल के डंका काकर सिर में मंडरावत है, काकर सिर में मंडराते भगवान, पूरा दल बल समय सुबेल पर्वत में जा करके बैठे है भगवान, है रणनीति तैयार करते रावण के वध होना है करके। रावण कौन है? रावण के केठन सिर है? 10 ठन सिर है रावण के? कतको मन कैसे कहते जानते हो माता जी मन? रावण के 10 ठन सिर रही तक कैसे सुतत रही सोही, कैसे एंटी एल्टी करती लेवत रही सोई, कैसे ढंग के ब्रश करात रही सोई सबो ठन मुँह ला, ऐसने कहते। ये रावण के 10 ठन सिर रही से, 10 ठन मुखरी से, ये 10 मुख से का होते, तात्पर्य का है? हमन कथर रावण के 10 ठन सिर है कि नहीं? 20 ठन भुजा है, ये 10 ठन सिर से तात्पर्य का है? तो देखथन कि जेकर 10 ठन सिर के बराबर जेकर बुद्धि हावे, 10 ठन सिर है तेकर बुद्धि है बे, 4 वेद 6 शास्त्र कुल होई 10, ये 10 ओकर बुद्धि में समा हावे,
यानी दस सिर के बराबर जेकर बुद्धि है यही तो दस मुख है। वो तो केवल प्रतीक है रावण के, लंका के रावण है। जन जन मानस ल समझाए बार कि ताकि जन नहीं पढ़े रहा है तो व्यक्ति समझ जाते कल ये दस ठनमुड़ी बना है। मतलब दस सिर के बराबर जेकर बुद्धि है ये दस मुख होना है। और रावण ल मोह के प्रतीक कहे गए है। मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकार पकारजित काम विश्राम हारी रावण ल मोह कहे गए। तो किन चीजों से मोह होना रावण होना है तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज सुंदर बात लिखते सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई। अगर इन चीजों से मोह है तो रावण हम मोहनम है कि नहीं। इन चीजों से केवल चाहिए सुख, सुख चाहिए संपत्ति चाहिए, सुख संपत्ति जय चाहिए बल बुद्धि है कि नहीं। तिस प्रकार आज रावण ला कतका व्यक्ति मन कई बार, लेकिन ऐसे कौन से पात्र है रावण ला कति की 14 व्यक्ति मन 17 बार समझाए। ओकर पुत्र प्रहस्त घलक केस के पिताजी आप सीता ला रावण रा आप सीता ला राम के हवाले कर दो, राम के पास भेज दो, ओकर बाद भी अगर आपसे युद्ध करी तो मैं आपके पक्ष से मैं युद्ध करूं, आप भेज दो समझे। ओकर नाना सियान हो गए लेकिन रावण अहंकारी व्यक्ति कभी काकरो नहीं सुने, काकरो सामने झुकना पसंद नहीं करे है कि नहीं। लेकिन ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिन कभी नहीं समझाइस बताओ तो तू मन है। अभी नमर बहनी एक जन बोलत रही से ऐसे कौन व्यक्ति है जिन नहीं समझाइस। रावण के तरफ के हैं, अरे रावण के खास आदमी एकदम खास आदमी है कौन है मेघनाद। मेघनाथ कभी नहीं समझे इस रावण ला की पिताजी आप जो कृत्य करे वो गलत चुकी रहा। मेघनाथ कौन है काम है, एक काम चाहत्री से देव प्रेरित काम पुण्य प्रेरित काम सद्गुण प्रेरित काम चाहत्री से भगवान शंकर ओकर प्रिया मिल जाए। देवता मन भेजे रही से काम के माध्यम से है ना भगवान शंकर है अंतर्मुक्त है ते बहिर्मुख हो जाए और माता पार्वती से विवाह कर ले तो तारकासुर के वध हो जाए। एक काम चाहिए से कि भगवान शंकर ला ओकर प्रिया मिल जाए, भगवान शंकर की शक्ति माता पार्वती ओला मिल जाए। लेकिन मेघनाथ कभी नहीं चाहिए से कि राम ला ओकर शक्ति कौन है, राम की शक्ति कौन है माता सीता ओला मिले कभी नहीं चाहिए से। भगवान राम की शक्ति यानी माता सीता मिल जाए नहीं चाहिए। जबकि मेघनाथ है वो ये चाहते कि राम की शक्ति सीता है वो रावण की ओर बहिर्मुख हो जाए, रावण की बंदनी बनकर रहे। कभी नहीं समझे से एकदम पितृ भक्त रही कभी नहीं कि इसके पिता जी आप सीता हर करके लाओ आप अनुचित काम करे हो कभी नहीं समझे। सो यानी काम है वो पर स्त्री के प्रति आसक्ति ला अनुचित नहीं माने कभी नहीं समझे। आज शांति दूत के रूप में पहले तो हनुमान जी महाराज की माता सीता के खोज करे बार, ओकर बाद सुबेल पर्वत में यहाँ पर सेतु बांध सेतु बनाई सेतु यानी दो किनारा ला जोड़ने वाला जिला धर्म सेतु के है। विश्व के दो महान गुरु है जिन भगवान राम ला धर्म सेतु कीस, गुरु विश्वामित्र जी महाराज कीस की धर्म सेतु पालक तुम ताता कहिस राम ला, और गुरु वशिष्ठ जी महाराज कीस की धर्म सेतु करुणा यतन यानी दो किनारा ला जोड़ने वाला कौन है भगवान राम जिन व्यक्ति ला व्यक्ति से व्यक्ति ला समाज से समाज ला राष्ट्र से राष्ट्र ला विश्व नायक है अपन आप से जोड़े रखेंगे जोड़े के काम करिस। भगवान युद्ध नहीं चाहिस, भगवान शांति व्यवस्था चाहिए तबे तो अंगद जी महाराज है। अंगद जी महाराज कुशल राजनीतिज्ञ है, ओला पता है कि दो देश के राजा के बीच में मित्रता कैसे होना चाहिए मैत्री कैसे होना चाहिए ये कुशल राजनीतिज्ञ है। इसलिए अंगद जी महाराज ने भेजी शांति दूत के रूप में। भगवान केवल शांति चाहते युद्ध युद्ध है देन मतलब यही बात ला जहाँ महाभारत में देखता जहाँ कौरव और पांडव के बीच में युद्ध होने वाले ओकर पहली भगवान श्री कृष्ण है भगवान श्री वासुदेव है वो प्रस्तावक बन करके प्रस्ताव ले करके कौरव मन के पास गीस जहाँ पूरा सभा लगे जहाँ धृतराष्ट्र जी महाराज है पूरा
दुर्योधन बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, कुलगुरु कृपाचार्य बैठे हुए, सब के सब बैठे हैं, और भगवान श्री कृष्ण गीस और दुर्योधन लकेश की दुर्योधन इंद्रप्रस्थ भले नहीं देवे तो मत दे। पांचों पांडव मल अगर इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहता ना तो मत दे, लेकिन एक बात है ते पांच गांव कम से कम पांच गांव पांडव मल दे दे भगवान कृष्ण। तो दुर्योधन कथे क्या है केशव, ते पांच गांव के बात करथस, पांच गांव तो दूर के बात है, मैं सुई के नोक के बराबर खलक जमीन नहीं दूंगी। अंतोगत्वा युद्ध हुई भगवान कृष्ण समझा इसकी दुर्योधन युद्ध है तेन व्यक्ति ला शमशान घाट की ओर ले जाते हैं। युद्ध में एक न एक पक्ष ला तो परास्त होना ही होना है कि नहीं। हम देखते महाभारत में देखते रामायण में देखते रावण की तरफ, रावण के सब पुत्र रहीस कौन बाचिस कोनो बाचिस, धृतराष्ट्र के सब पुत्र रहीस कौन बाचिस कोनो बाचिस। तो यही बात लगत है कि दुर्योधन युद्ध है वो व्यक्ति ला शमशान की ओर ले जाते और शांति है वो व्यक्ति ला उन्नति एवं प्रगति की ओर ले जाते। मान जाओ शांति व्यवस्था, इसीलिए भगवान राम भी चाहिए शांति व्यवस्था होना चाहिए। काजू हमार तास रहित होई कि इसे अंगद जी महाराजा हमार भी काम हो जाए और विरोधी के मतलब दुश्मन के घलक हित हो जाए, ऐसे कौन राजा रहीस होई। सोचो हमारे भारत देश में ना जाने कितना सारा राजा महाराजा रहीस होई, लेकिन ऐसे कौन राजा है जिन अपन दुश्मन के हित चाहिए सोई। और वैसे दुश्मन रावण हा जिन खुद माता सीता ला भगवान की अर्धांगनी भगवान की पत्नी माता वही दही ला हर करके ले गई है। अरे असली प्रेमी तो भगवान राम है। दुनिया में प्रेम के प्रति काला माने जाते, काला माने जाते बेटी मन बैठे हो पढ़े लिखे, दुनिया में प्रेम के प्रति काला माने जाते वो जी हल्ला दर्शन करे बढ़ जाते सब तू मना। प्रेम के प्रति जेकर अपन पत्नी की स्मृति में बना है आगरा में का है, आगरा में का है, हाँ आगरा में ताजमहल है, ये प्रेम के प्रतीक है। कौन बनवा है, शाहजहां है अपना पत्नी मुमताज बेगम की स्मृति में बना है, वो प्रेम के प्रतीक माने जाते। अरे ऐसे प्रेमी जेकर निरूपीकरण के लिए निरपराध व्यक्ति मन के हाथ ला काटिस किस प्रकार के उम्मत बना सको, तो वो का काम के प्रेमी है। असली प्रेमी तो भगवान राम है जिन एक आतंकवादी के द्वारा अपहृत पत्नी के लिए भगवान आकाश और पाताल एक कर देते, इतना बड़े समुद्र में बीचों बीच पुल के निर्माण कर देते। महान प्रेमी तो भगवान रामचंद्र जी है। इस प्रकार आज अंगद जी महाराज ला पुनः भेजते कि जा अंगद जा करके रावण ला समझा, और अंगद जी महाराज है रावण की सभा में गए। सुंदर बात दिखते गोसाई तुलसीदास जी महाराज की भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमद भाग कोटि विघ्न ते संत कर मन जी में नीति न त्याग। सियावर रामचंद्र की जय। आओ प्रसंग और गहन कर बुनो कर से पूर्व प्यारा सा भजन। भर प्रिय राजा चंद्रदेव की जय। श्री राम की बैठे हैं मेरे सीने में जाना की बैठे हैं मेरे सीने में। सीधा जाना की
मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम रसिया हमें राम शुभ रस करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो। राम रसिया हमें राम शुभ रस करो, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करो। रामचंद्र की जय। अंगद जी महाराज तेन रावण के पास शर्त रखिस कि जेन मोर पैल हटा दी, अगर मैं पैल हटा देस तो मैं सीता ला हार करके मैं चले जाऊं। भला देखो अंगद जी महाराज काबर मसीत शर्त लगे सोही, माता सीता ला दो बार हारे, दो बार हारे के मतलब दाव में लगा है माता सीता ला। एक तो महाराज जनक जिन समय धनुष ला जिन प्रत्यंचा चढ़ाही वही सीता ला वर ही करे, जिन धनुष ला तोड़ दी ही अहंकार के प्रतीक कर्तृत्व के प्रतीक, और निरहंकारी व्यक्ति ही अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते। जे अहंकारी व्यक्ति मद लेकर के बड़े बड़े राजा मन बैठे रही से कहे जाते कि रावण हा घलक गिरीस, वहां स्वयंवर सभा में वहां वो भी भाग ले रही से, वहां भी शर्त लगा रही से, मतलब माता सीता ला दाम में लगा रही महाराज जनक। और जब धनुष ला प्रत्यंचा चढ़ाई भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष के भंजन होते हुए महेंद्रगिरी पर्वत से जहां परशुराम जी महाराज के आगमन होइस, परशुराम जी महाराज ला पतरिस, फिर भी अनजानों की भांति बात करिस महाराज जनक से, और महाराज जनक जब बतेस तो महाराज जनक ला मूर्ख कहिस। जिन महाराज जनक ल पूरा संसार के मन परम ज्ञानी कहे जाते, जिन महाराज जनक जिन वेदा व्यास जी के पुत्र सुखदेव, सुखदेव जिन परीक्षित ला कथा सुना है, और जे महाराज जनक जेकर गुरु अष्टावक्र है, और जिन सुखदेव जी महाराज जनक के पास ज्ञान के बात सुने पर आए, ऐसे महाराज जनक ला मूर्ख कहिस। धनुष ला तोड़वाए के का बात इस बाण चलवाए के प्रतिज्ञा कर लेते इस महाराज जनक कहिस, अगर भगवान शंकर धनुष के साथ बाण दे रहतीस तो मैं बाण ला चलवा लेते हूँ, लेकिन भगवान शंकर जैन त्रिपुरासुर के नाश करने वाला बिना बाण के धनुष दे रिस, यहाँ पर दाव लगा रिस।
और यहाँ पर अंगद जी महाराज कहते कि अगर मोर पैर ला रोप देते धरती में और अगर मोर पैर ला कोई हटा दी तो मैं सीतल हार करके मैं चले जाऊं इसे घर। देखो दांव में लगा माता पृथ्वी की बेटी है, माता पृथ्वी चिंता हो जाते, मातारी मल रहते बेटी की चिंता। सब बड़े बड़े योद्धा मनावा थे, अपन किस्मत अब आजमावा थे, बड़े बड़े बलशाली है थे मनावा थे, और अंगद के पैर ला उठावा थे, कहाँ उठे पैर ला कौन पकड़े, कौन पकड़े है? पृथ्वी माता पकड़े है, क्योंकि पृथ्वी माता की बेटी है माता सीता, कोनो चिंता नहीं रही, इतनी रही औलाद के बेटी के, माँ मान ला बेटी के चिंता रहते। माता पृथ्वी सोचते कि अंगद ला घला का पड़े रही से सीता ला मोर बेटी ला दाव में लगाए के, मोर बेटी ला दाव में दो बार लगा दी से, एक तो महाराज जनक है तेन और एक तो आज अंगद जी है तेन, इसलिए मैं बेटी ला मां ला मा पृथ्वी माता पृथ्वी की बेटी है। माता सीता है कहाँ से जन्म लेके आया है, पृथ्वी से प्रादुर्भाव हो है। माता सीता कौन है, शांति सीता समाहिता आत्मा रामो विराजते। माता सीता भक्तों के लिए भक्ति है, कर्म योगियों के लिए शक्ति है, ज्ञानियों के लिए शांति है, दीनों के लिए माँ है सीता। माता सीता शांति है, शांति की प्राप्ति महाराज जनक ला हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई महाराज जनक ला शांति की प्राप्ति, माता सीता शांति है। राज्यसभा में बैठ करके नीति की चर्चा करते हुए शांति की प्राप्ति नहीं हुई, धर्म सभा में बैठ करके धर्म की चर्चा करते हुए महाराज जनक ला शांति की प्राप्ति नहीं हुई। शांति की प्राप्ति कब हुई, जब एक किसान पुत्र माटी पुत्र की भांति हल चलाते हुए। शांति शांति जीवन की सत्य है, इन्हें श्रम ला सत्य के लिए निवेश करन है कि नहीं, श्रम ला सत्य के लिए निवेश करो, जीवन के सत्य का है, जीवन के सत्य तो शांति है। इस प्रकार ऐसे शांति की प्राप्ति महाराज जनक ला हो, धरती माता की बेटी है, पृथ्वी माता की बेटी है, और आज पृथ्वी माता है तेन है ना बेटी ला दांव में लगा, पृथ्वी माता है तेन अंगद के पैर ला पकड़े हुए, कोई उद्धार नहीं उठा सकिस। आखिरकार सब हार मान जाते, ओकर बाद भी कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे, गहत चरण कहा बाली कुमारा, मम पद कहे न तोर उबारा। अंगद के बल देख करके सबके सब हार मान जाते और ललकार करके फिर अंगद रावण है तेन उठते, अंगद के पैर उठाए बर उठते, जैसे ही रावण है तेन अंगद के पैर पकड़े बर रथे उठाए बर थे कि अंगद है वो पैर हटा देते, दुष्ट पापी रावण तोला पकड़ना है तो भगवान राम के चरण ल जा करके पकड़ तो तोर शायद भगवान तोला माफ कर सकते। कथे कि गह सिन राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाई। यही बात ला कथे कि अरे मूर्ख जा करके भगवान राम के चरण ला काबर नहीं पकड़स, मोर चरण ला पकड़े से का होई। भगवान राम तो ऐसे कृपालु है, ऐसे कृपा के समुद्र है भगवान, ऐसे उदारता है, चाहे व्यक्ति कितनों ही पापी क्यों ना हो, कितनों ही पापी क्यों ना हो, तभी तो गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते, जो नर होई चरा चर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, करूं संगत ही साधु समाना। कथे कि कोई भी जीव कितनों ही दुराचारी कितनों ही पापी क्यों ना हो, अगर भयवश मोर शरण में आते तो ओला मैं शीघ्र ही साधु के समान कर देतू। मद मोह ला देखो, मद मोह छल कपट ला त्याग हो तभी ईश्वर के प्राप्ति हो सकते। भगवान ये नहीं कहे जीव ला कि आप काम क्रोध लोभ ला तज करके आ रहे हो आओ, अरे राम जीवन में आ जाए, राम सत्य है, संसार में अकाट्य सत्य है तो ईश्वर है, और मृत्यु भी सत्य है कि नहीं, मृत्यु के भय बनाने वाला कौन है, वही भगवान तो है। भय मृत्यु के भय तो हर कोई रहती, इसलिए इससे भयभीत होकर कम से कम राम को तो जपे, राम के तो स्मरण करे। इस प्रकार से भगवान यही कहते राम जीवन में आ जाए तो काम क्रोध लोभ रूपी चोर है, भगवान काम क्रोध लोभ ला तज करके आओ नहीं कहे। एक ठन चुटकीला के माध्यम से समझाना चाहूं, एक ठन गांव में कहो या उड़ेना में कहो, शादी बर बिहाव के सीजन चलते, शादी बर बिहाव थे सब बराते गिस, अब तो माता मन घलक जाते, बराती सगाई में जाते, बहू देखिल जाते, घर देखिल जाते, सब ब्लड ठोक पीट के मांगत बहू, तब बोले ढिसिर मिसिर हो जाते, कैसे
आए नहीं चार दिन हो बने बहुलत देख के मांगे रहते काबर कैसे कैसे हो जाते। इस प्रकार से सब जन बराते गे सब जन माता मन गे है। एक जन आदमी ला भैया ला छोड़े है घर में। अब चोर मन ला तो मौका चाहिए रहते पता चले फलाना भैया घर सब जन बराती गे है। अरे अच्छा मौका है जी शादी पर भी हाव होते बड़ा कन गहना जेवर सब सगा सौदा राही ते कर मन के सब पैसा कौड़ी हा हो ही तो नहीं तो गहना जेवला तो माता मन पहन के गे हो। चलो भाई जाबो रे तीन चार जन मन चोर मन हम अपन षड्यंत्र बनेस और चोरी करे बरेस। अब वो भैया एक जन हाबे ना घर में सूते हेते हैं। अब आप मन अनुभव करे हो माता हो महिला मन हमन घर में रथन ना एक के जन रथन दिन भर हा कैसनो नहीं थे कटते नहीं आ रतिया कैसे लागते कटते रतिया कैसे लागते कोनो आवत है का कोनो आरो देवत का लागते नहीं गुड्डू के मम्मी कहा थे कि लागते नहीं तू मन लागते तू नहीं लागे थे मैं नहीं जानो भाई हमन लागते वैसने एक झन रहे ना महिला जात हो कि हमन डरपोक प्रवृत्ति की होथन है ना घर में एक झन रहे तो रात की नींद नहीं पड़े दिन हाँ कृष्ण कट जाए। अब वो जो भैया रिस भैया मना अपन मन जानी हो मन शक्तिशाली होते बलशाली होते वो जो भैया रिसे अकेला रिसे सो रिसे चोर मनाइस 12 बजे अब रात में कौन आ सकते चोरे मन तो आई नहीं जमा बेरा 12 बजे पहुंची सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी अगर घर में आई ना तू मन कमरा में रहो तो वजन वजन लागते नहीं कोनो वही तैसे बरोबर लागते गरु गरु असन। अब वो भैया पता चल गया अरे अधरातिया कौन आ सकते चोरे तुहरे। अब वो डरीस नहीं है मतलब डर जो डर गया सो मर गया वो डर जतीस दादा चोर मन आगे रे तो फिर मरी जतीस वो डरीस नहीं है वो बल्कि अपनी हिम्मत के परिचय दिसे। चार जन चोर मनाइस अब वो आदमी एक के जन सोते वहाँ कोई नहीं है ना अब फोकट के फोकट तीन चार जन आदमी के नाम लीस ताकि वो मन डर जाए कथे अरे शेर सिंह सोगेश का जी अरे मान सिंह सोगेश का जी अरे मोहन सिंह सोगेश का जी अरे रमेश सिंह सोगेश का जी इसने कि सो एक के जन सोते है ना फोकट के नाम ला ले बस ताकि वो मन डर जाए कही के। अब वो मन चोर मन कहा जाने एक के जन सोते है तेला। अब वो मन सोने चारों के चारों चोर मन कथे हमन तो एक झन ला सूते है कहा रे ददा यहाँ तो आ चार चार झन शेर मन सूते है चलो रे भैया चोरी नहीं करन चोरी करबो पकड़े जाबो तो पुलिस थाना में अंदर कर दी रे भाई हो ऐसे की के सबो के सबो चोर मन भाग गए। यहाँ पर कोई आदमी सूते रीस का नहीं सूते एक झन सूते रीस नाम सही है का जे नाम ली से शेर सिंह मान सिंह जो भी सिंह है कोई सिंह सूते है कोई वहां पर कोई नहीं सूते है एक जहाँ सूते है लेकिन अपन हिम्मत के परिचय देखी मतलब झूठा नाम झूठा है नाम झूठा है कोई शेर सिंह नहीं है कोई मान सिंह नहीं है कोई मोहन सिंह नहीं है नाम झूठा है झूठा नाम से चोर तो सच्चा रीस ना झूठा नाम से सच्चा चोर भाग सकते तो राम नाम तो सत्य है वो सत्यता हमारे जीवन में आ जाए तो ये काम क्रोध लोभ रूपी चोर है ओला तो इसने भागे पर पड़ नहीं तो इस प्रकार आज हनुमान जी घलक की से किसकी माँ मतलब अहंकार ला त्याग दे भगवान के शरण में चले जा। अंगद जी महाराज किस भगवान राम जान मान तो जाए रावण हाँ मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ इस प्रकार से अंगद जी महाराज घलक गए और जब अंगद जी महाराज के पैर ल पकड़ थे तो वही किस राम के पकड़ ल पड़ तो जीवन के कल्याण हो सकते रावण अव प्रसंग अवघन कर बो नौकर से पूर्व प्यारा सब बोली भूत प्रताप छचर की जय अब विष्णुपति ताली के साथ आप सभी से निवेदन कर ले ले राम पद धो
हो जाए तोरे घर सवसुर, चढ़ा दिए फूल हो जाए तोरे घर सवसुर। उमा राम की भ्रुकुटी विलासा होई विश्वपुन पावई नासा, अत्रिंते कुलिश कुलिश त्रिन करे तास दूत पन की है ना। सिंहासन बैठे सिंहाई मानव संपत्ति सकल गवाई, जगत जगदा तमा प्राणपति रामा, और तास विमुख की मिलाई विश्रामा। जब रावण है तेन अंगद जी के पहला उठाए बरधरिस, रावण हटा दिस अंतो गत्वा रावण के उन मुकुट सहित है नी। और एक योद्धा की कहो या योद्धा के तलवार के गिर जाना या एक राजा के मुकुट के गिर जाना तो अशुभ के अशुभ संकेत है। रावण ही केस की शांति तोला मिली, मतलब इतना धूमिल हो जाते उनका चेहरा, धूमिल हो जाते रावण के। और इस प्रकार से कहते कि जगत की आत्मा और प्राणों के स्वामी कौन है? प्राणों से प्राण, प्राणों के प्राण कौन है? भगवान राम है। शांति कहाँ है? भगवान राम के। अंगद जी महाराज हेल कहते कि रावण वो प्राणों के प्राण, अगर तुला शांति चाहिए, शांति प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, तो भगवान राम के शरण में चले जाओ। कहाँ है शांति? शांति कहाँ है? उड़ना में है शांति, उड़ना में है शांति। कहाँ है शांति? काका नाम है शांति है। नाम के संज्ञा दिए जा सकते लेकिन गुण के संज्ञा नहीं दिए जा सके। जरूरी नहीं है काकरो नाम भगवान, मतलब काकरो नाम शंकर है तो वो शंकर सरेखा सब सर पर लपेट सकते। नाम के संख्या दिए जाते, भले काकरो नाम शांति है पता चलते घर में अशांति है, दिन भर कलल कलल करत रहते घर में, है कि नहीं? शांति कहाँ है दुनिया में? शांति कहाँ है? शांति कहाँ है? भगवान श्री हरि जब मानव मनला मानव, अरे मानव ला सब कुछ दिस, एक ऐसे वस्तु जिला नीचे गिरीस ओला पैर में छुपा लीस। माता लक्ष्मी है तेन किस कि स्वामी ऐसे कौन से वस्तु है जिला आप मानव मन ला नहीं दे हो, आप अपन पैर के नीचे छुपा लो। इसे भगवान विष्णु कहते कि लक्ष्मी
दुनिया में संसार में आदमी मला लोगन ला सब कुछ मिल ही लक्ष्मी, लेकिन शांति कहीं नहीं मिले। शांति के लिए दिन जिंदगी भर खोजत रही, कोनो साधु महात्मा के तेला कहतन शांति कहाँ मिली, भगवान के मंदिर में जातन शांति मिली कहाँ मिली। शांति तो भगवान के चरण कमल में है, भगवान विष्णु की शांति के लिए भटकी मानव प्राणी शांति केवल मोर चरण में मिली लक्ष्मी। तो यही तो आज अंगद है तेन रावण यही सीख देते, तू परम पिता परमात्मा होकर सचरण ला पकड़ते है तोला शांति वही मिली आव। ये कहते हुए बहुत सुंदर बात गोसाई तुलसीदास जी महाराज भगवान राम के लिए कहते, इसका एक तरफा बेयू, भगवान राम के लिए कहते इसका एक तरफा बेयू मगरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होंगे समा तो काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तू ना मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तू ना मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कार्य के बोलते मौज अच्छा हले ना, एला प्रेमी नहीं कहे, असली प्रेम तो वो है जिन भगवान के चरण कमल में समर्पित हो जाते। आज अंगत रावण कहते से प्रेमी बन जा भगवान राम के अभाव। एक अंतिम भजन तत्पश्चात अपना से साधन विदाई बोले Yeah।
दरबार